किसी दूसरे बंदे का आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जो पर्सन ना तो वाटर में रहता हो और ना ही किसी को जानता हो, शायद उसने मास्टर की चुरा ली थी, इसी वजह से वो सियोंजी के पास पहुंच चुका था। और जैसे सियोंजी उसके लिए डोर ओपन करने के लिए आया होगा, उसने उसका हमला किया होगा और सियोंजी ने खुद को बचाने के लिए उसको मारा होगा, जिसके बाद उसने सियोंजी को लाइफ मार दी। सो तो ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। यहाँ पर सियोंजी का ब्रेन पे चढ़ा होता है। अब सॉल भी फौरन से उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते जहां पर सियोंजी होता है, और वो देखते हैं कि सियोंजी के डैड बाहर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर वो वहीं पर उठ जाते, उसकी आगे जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती और सियोंजी के लिए रोने लग जाती। तभी उसे याद आता है कि जब मेरे पास वॉच हुआ करती थी तब मैं टाइम ट्रैवल कर लिया करती थी, और अभी मेरे पास वॉच नहीं है, जब मैं वापस आई थी तो मुझे उस वॉच को ढूंढना होगा। इसका मतलब वो सियोंजी के पास ही वॉच होगी। उसके बारे में नेट पर सर्च करी होती है, वॉच के बारे में कुछ भी उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती। अब उसे कंफर्म हो चुका था कि वो सियोंजी के पास ही होगी, इसी वजह से खुद उसके घर पर पहुंच जाते और उसकी हर एक चीज को चेक करी होती है, पर कहीं पर भी उसे वॉच नहीं मिली होती। पर वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आती, उसे यही होता है कि वॉच कहीं ना कहीं तो बड़ी होगी, वॉच मिल जाएगी। वैसे ही इन्हों का जाता जाकर पूछा लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद सुनते फौरन से कि इन्हों के पास जाते और पूछा लगता है कि सियोंजी की वॉच कहाँ पर है। अब उसे भी होता है कि ये लड़की पागल वागल तो नहीं है, सियोंजी का वहाँ पर ऑपरेट चल रहा है, वो मरना जीने की हालत में पड़ा हुआ है, पर इसे तो उसकी वॉच की पड़ी हुई है। इसी वजह से इन्हों का उस पर गुस्सा आ होता है और लगता है कि तुम्हें वॉच क्यों पड़ी है, तुम्हें अभी इस टाइम पर वॉच क्यों चाहिए। तो कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ नहीं समझा सकती, तो मुझे बस ये बता दो वॉच कहाँ पर है। अगर तुम मुझे उसकी वॉच के बारे में बता सकते हो तो मैं सियोंजी की जान नहीं बचा सकती। अब उसे इसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती कि वॉच का मसला क्या है, पर इन्हों जो उसका वॉच नहीं बता रहा होता तो वो खुद वापस से ढूंढने के लिए जाने लगते। तो इन्हों को सर होकर कहने लगता है कि वो वॉच तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वॉच तो सियोंजी को भी नहीं मिली थी। आई थिंक सियोंजी की वॉच उसी टाइम पर खो गई थी जब उसने पहली बार सॉल की जान बचाई थी, तब उसके हाथ से उसकी वॉच गिर गई थी और सियोंजी काफी टाइम तक अपनी वॉच को ढूंढा रहा था, पर उसे वो अपनी वॉच कहीं पर भी नहीं मिली थी। अब सॉल के पास एक उम्मीद बाकी थी कि वॉच मिल जाएगी तो वो पास को चेंज कर सकती है, पर वो उम्मीद उसकी टूट चुकी थी। और वहीं पर गिर जाते उन्होंने लगते जब आप इस घर पर आते तो घर पर भी इसी बारे में न्यूज चली होती, उसकी मां बैठकर न्यूज देखी होती है। उन्हें उसे बताया जा रहा होता है कि वहां पर जो भी वेपन मिला था उससे हमें उस पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया है, जिसका नाम मियांग है। कि मियांग पहले भी 2009 में भी जेल में गया था, और पता लगा है कि 2009 में भी वो सियोंजी की वजह से गया था, क्योंकि सियोंजी ने उसे जेल में भेजा था। अगली बात सुनते ही सॉल तो वहीं पर रुक जाती है और उसे हो रहा होता है कि 2009 की यहाँ पर बात हो रही है, जबकि 2008 में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, जिसमें सियोंजी को उसने देख लिया था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, तो अपनी मां से जल्दी से पूछती है कि क्या मेरा एक्सीडेंट 2009 में हुआ था। ये सुनकर उसकी मां बताने लगती है कि हाँ, और उस टाइम किसी और ने निकल के सियोंजी ने तुम्हें बचाया था। अब ये बात सुनने के बाद तो सॉल को शौक ही शौक रह जाती है, क्योंकि सियोंजी ने उसे बचाया था, जिसके बाद अब उसकी जान चली गई। अब इसी केस के बारे में पूछने के लिए वो डिटेक्टिव किम के पास आ जाती है और उसे आकर सियोंजी की जो भी रिपोर्ट्स होती है जो 2009 की थी वो सब मांगती है। अब डिटेक्टिव किम कहने लगते हैं कि उसकी मियांग ने तुम पर हमला किया था और जब वो जेल से आजाद हो गया, मैंने सोचा कि तुम्हें ये बात बता दूं ताकि तुम अपने आप को बचा पाओ, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो पर्सन सियोंजी को आकर मारेगा। ये कहकर वो मां से बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए। उनके जाने के बाद फॉरेंस रिपोर्ट को ओपन करके देखते हैं, जहां पर विटनेस का नेम सियोंजी लिखा हुआ था और उस टाइम उसकी उम्र 20 साल थी। अब सियोंजी ने पूरा इंसिडेंट बताया हुआ था, वो बताता है कि जब मैं घर की तरफ वापस आता हूं तो मुझे वहां पर सॉल का बैकपैक मिलता है। अब मैं उसका बैकपैक देख ही रहा होता था, मुझे साइड से सॉल की चीख मारने की आवाज आती है, जिसकी आवाज को सुनते हुए फॉरेंस पुलिस को कॉल करता हूं और उसकी चीख की तरफ जाने लगता हूं, और जाते जाते मैं उसे वापस उसके मोबाइल पर कॉल करता और एक बिल्डिंग से उसकी रिंगटोन की आवाज आती, जिसे सुनते साथी मैं फॉरेंस से उस खाली बिल्डिंग में जाता हूं, जहां पर मुझे सॉल आगे से नजर भी आ जाती, जो अपने आपको बचाकर वहां से भाग रही होती है। वो वहीं पर बेहोश हो जाती और अभी मैं सॉल को देख ही रहा होता तो उसे पकड़ने वाला आदमी भी वहीं पर आ रहा था और मुझे देखकर वहां से भागने लगता, तो फॉरेंस में उसे जाकर पकड़ लेता हूं। अब इसी में हमारी फाइट वगैरह होना स्टार्ट हो जाती और वो मुझे काफी ज्यादा मारता है और यहां तक कि लास्ट में मेरा गला भी पकड़ लेता है कि तुम भी मारो, पर मेरे हाथ में जो भी वहां पर उस टाइम पर चीज आती है उसके सर पर मारता हूं, जिसके बाद उसके सर से खून आने लगा था और वैसे वहां पर फॉरेंस से पुलिस आ जाती है। अब ये सब पढ़ने के बाद सॉल को बहुत ही ज्यादा शौक लगा होता है, क्योंकि इस बात का उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। पहले से मुझे दिखा जाता जिसका ऑपरेट हो चुका था, अभी भी वो जिंदा तो था, पर उसे हॉस्पिटल भी नहीं आया, उसके डर चुप करके बस उसे बाहर से बैठकर देख रहे होते हैं। पहले सॉल दिखा जाते जो अपने घर पर वापस आने के बाद चीजों को ढूंढ रही होती, क्योंकि उसे यही होता है कि कोई ना कोई मुझे ऐसा एविडेंस मिल जाए जिससे मैं सियोंजी को बचा पाऊं, पर उसे जब कुछ भी नहीं मिला होता तो रोने लग जाती कि सियोंजी तुम्हें मुझे बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहिए था, अगर तुम मुझे ना बचाते तो आज मुझे कुछ होता तुम्हें ना कुछ होता। अभी रो रही होती तो उसे एक पेपर नजर आता है, जैसे उस पेपर को देखते होते उसमें उस जगह की पिक होती है जहां पर सॉल के साथ ही सब कुछ हुआ था, वहां पर उन्हें कुछ चीजें वगैरह मिलती है ऐसा एविडेंस। अब उन्हीं चीजों में उसे सियोंजी वाली वॉच भी नजर आ जाती है, जो आई थी सियोंजी की इसमें पास में जाकर जो पहनी हुई थी वही वाली वहां पर गिर गई थी। अब ये फॉरेंसिक डिटेक्टिव किम को कॉल करती और उनसे इतनी पुरानी बात को पूछी होती है कि जो आपको उस टाइम पर वहां पर जो चीजें मिली थी वो कहां पर है, तो वो बताते हैं कि जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई थी वो आपकी फैमिली को वापस कर दी गई थी। अब ये बात सुनते साथ ही वो जल्दी से अपने कमरे की एक एक जगह को चेक करी होती है, पर कहीं पर भी उसे वो वॉच नहीं मिली होती। अपने रूम से बाहर आकर चीजों को चेक करने लगते हैं, तो उसकी मामा उसको इस तरह चेकिंग करते देखकर पूछने लगती है कि क्या हुआ है, तो अपनी मां से पूछने लगती है कि मामा पुरानी चीजें कहां पर रखती हैं। अब इसकी मां कुछ बताती इससे पहले उसको गर्मा के हाथ में वो वॉच नजर आ जाती है। अब ये फॉरेंस गर्मा के पास जाती उनके हाथ वाली वॉच को देखने लगती है, तो गर्मा कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई है। अब सॉल की मां को पता लग जाता है कि सॉल को अपनी ये चीज वापस चाहिए, इसी वजह से उनसे कह लगते हैं कि आपने सॉल की चीज को गलती से पहन लिया कि आप उसको वापस कर दोगे, तो वो फॉरेंस अपने पास आगे कर देती है कि हाँ लेना है तो ले लो। तो सॉल जल्दी से अपनी वॉच को उतार लेती है, अब उसी वॉच को अपने साथ लेकर सियोंजी को देखने के लिए पहुंच जाती है। सियोंजी को देखती होती है उसको वही वाला टाइम याद आ रहा होता है, इसी सिटेट के बाद उसने सियोंजी को मिलने से भी मना कर दिया था और कहा था कि तुम्हें मैं जब भी देखती हो तो मुझे वही वाला इंसिडेंट याद आता है। अभी इन सब बातों को याद करते हुए कह लगते हैं कि मुझे सियोंजी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये मेरी गलती है, जो तुम यहाँ पर हो वैसे टाइम की तरफ देखती होती है बारह बजने वाले होते हैं, मतलब इसके टाइम ट्रैवल का टाइम आ चुका था, क्योंकि हर बार 12 बजे पर ही इसका टाइम ट्रैवल हो जाता था। अब जैसे ही 12 o'clock होने वाले होता है वैसे ही हाथ में वॉच पकड़ लेती है और उसी टाइम पर इसका पास टाइम ट्रैवल हो जाता है। जब इसे होश आती है तो अब ये सोच होती है कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया या नहीं किया। अब ऐसे नीचे लोगों की भीड़ दिखाई जाती है जो सॉल के लिए वहां पर आए हुए थे, क्योंकि सॉल बहुत ही ज्यादा ऊंची जगह पर थी, और जब सॉल को थोड़ी होश आती है तो वो सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखती है, जो योनसु यूनिवर्सिटी होती है और उसके साथ 2009 लिखा हुआ था, क्योंकि वो न्यू बच्चों का वेलकम कर रहे होते हैं। अब ये देखने के बाद से पता लग जाता है कि मैं 2009 में आ चुकी हूँ, जिस ईयर में वो आना चाहती थी, और तभी उसे के पास रिलाइज होती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा ऊंची जगह पर है। अब लिहोन भी आ जाती है, कह लगती है कि तुम ऊपर क्या कर रही हो, तुम्हें नीचे आना चाहिए। अब सॉल जैसे ही नीचे आने की कोशिश करने लगती है तो उसका वापस आता है, जिसके बाद वो नीचे गिरने लगती है। वहां पर जो भी लड़के खड़े हुए थे वो उसे नीचे गिरते देखकर फौरन से उसको कैच करने के लिए पहुंचे होते हैं, और सॉल नीचे गिरते हुए बस यही सोचे होते हैं कि अभी अभी तो मैं फ्यूचर से वापस आई थी, क्या मेरी यहाँ पर इसी तरह मौत हो जाएगी। अभी ये बात सोच रही होती है, वैसे ही सियोंजी से कैच कर लेता है। अब ये सियोंजी को देखती है, सियोंजी को देखकर शौक हो जाती है, और लिहोन भी जैसे सियोंजी को देखती है तो उसे थैंक्स कहती है कि तुमने इसकी जान बचाई, और सॉल तो वहां से बस भागने की
करते हो तो सियोंजे को थैंक्स भी नहीं बोलती। अभी हॉलवेज के पीछे पीछे भागते हुए आ रही होती, कहने लगती है कि तुम इतना एंबैरेसमेंट फील क्यों कर रही हो, तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए था, आखिर उसने तुम्हारी जान बचाई है। अभी अगर वो तुम्हारी जान बचाता तो तुम्हें मर जाना था। वह कहती है कि मैं ऐसा क्यों बोलती, वैसे भी उसका मुझसे क्या ताल्लुक है। पर पूछ लगती है कि सियोंजे वैसे यहां पर क्या कर रहा था, वो भी यूनिवर्सिटी के सामने। तो ये उसे बताती है कि उसने क्यों की तरह इसी यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लिया है, तुम्हें ये बात पता नहीं है। अब उसे इस बात को सुनने के बाद उसे वही बात याद आती है कि मैंने उसके पॉकेट वाले कार्ड को फाड़ दिया था ताकि वो ऑडिशन के लिए ना जा पाए, यहां तक कि उसके फ्रेंड को भी मना कर दिया था कि उसे साथ में मत लेकर जाना। अभी इन बातों को याद करते हुए कहने लगती है कि मैं हमेशा से इसी चीज पर फोकस करती हूं और अपनी प्रीशियस टाइम को बर्बाद किया। तो कहने लगती है कि मुझे रिजेक्ट होता है, इसी वजह से मैंने उसे थैंक्स नहीं बोला, क्योंकि वो हर जगह पर मुझे बचाने के लिए आ जाता है। तो लियोन कहने लगती है कि तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया था, इसी वजह से तुम ऐसा बोल रही हो ना। पर सॉल को कुछ काम याद आते तो वो वहां से भागने लगती है, पर उससे पहले लियोन उसे रोक कर एक बैग देने लगते हो, कहते हैं कि कल इसको अपने साथ वापस लेकर आना। अब उसके बैग को लेकर जाने तो लगते हैं, तो उसके जाने के बाद लियोन को याद आता है कि इसकी तो क्लास होने वाली थी, क्या ये क्लास बंक कर रही है। अब उसे तो सॉल पर गुस्सा आता है कि अपनी क्लास को कैसे बंक कर सकती है। अब सॉल भी सबसे पहले पुलिस स्टेशन में पहुंचाती है, वहां पर जाने के बाद सबसे पहले रिपोर्ट देने लगती है, और वो रिपोर्ट एक साल पहले की बता रही होती 2008 1 सितंबर, वो भी वही टैक्सी वाले इंसिडेंट के बारे में, कि मेरे घर के सामने से टैक्सी वाले ने मुझे टैक्सी में बिठाया और मुझे वहां से लेकर चला गया। अब उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसकी रिपोर्ट को लिखकर कहने लगते हैं कि तुम ये बात एक साल होने के बाद आकर क्यों बता रही हूं, तुम्हें तो ये बात पहले भी बता देनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि उस हादसे की वजह से मैं शॉक में थी, जिसकी वजह से मुझे सब मेमोरीज खो चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है, तो मैं आपको सब कुछ बताने के लिए आई हूं। पर उन्हें तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता कि इतनी जल्दी किसी की याददाश्त वापस आ सकते और या ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सॉल कह लेती है कि मैं उस पर्सन को पहचानती हूं, मुझे उसका नाम भी पता, मुझे उसकी हर चीज पता है। ये कहते हुए उसकी कार की कीज़ भी उन्हें दे देते हैं कि उसकी कार की कीज़ है जो उसने उस टाइम पर चुरा ली थी। अब ये भी बताती है कि जो वहां पर एक मर्डर हुआ था वो भी इसी ने किया था। अब वो तो इसके बाद शौक चाहते हैं कि लड़की कहां से क्या चीज है। अब वैसे सॉल सब कुछ बताने के बाद बाहर आ जाती और क्या लगता है कि तुम्हारी ढूंढने से पहले मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और उसके बाद तुम उसे बच नहीं पाओगे। वैसे जब वहां से जारी होती है तो दो लड़के वहां पर दिखाई जाती है, जिन्हें देखते साथ ही वो फौरन से वापस आ जाती है। अब अपने बैग से एक सेल्फ डिफेंस की चीज निकालती है और फौरन से मारने के लिए जाने लगती है कि तुम के बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। तो पता लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि किमताई था। अब किमताई को देखकर वहीं पर चाहती और उसके हाथ में पैसों को देखकर क्या लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहिए, पर तुम बिल्कुल भी नहीं सुनते, अब तो तुमने बच्चों के पैसे लेना भी स्टार्ट कर दिया है। पर वैसे वो बच्चा काफी डर जाता, कहता है कि थैंक यू आपने मेरे पैसे टूट कर मुझे वापस किए। ये कहकर वो जैसे वहां से जाता है तो सॉल को थोड़ी होश आती है कि इसने पैसे लिए नहीं है बल्कि पैसे तो दिए हैं। अब किमताई के साथ बात करने के लिए जगह पर तो आ जाती है, बाबा किमताई उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ही बोला होता है। क्या लगता है कि तुमने मुझे किस तरह का पर्सन समझा हुआ, जब भी तुम मुझे मिलती हो तो तभी तुम मेरे बारे में ऐसा कहती हो। तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हें कुछ देखना चाहती था कि तुम इस तरह के कामों में बिल्कुल भी न डरो। और क्या तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गया, कि तुमने ग्रेजुएट किया है? तो कहने लगता है कि तुम वैसे कह रहे हो तुमने मेरी ग्रेजुएशन वाली पिक देखनी है। ये क्या करो, सबकी पिक दिखाने लगता है, जिसको देखकर तो सर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे कहने लगती है कि मुझे तुम पर प्राउड फील होता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और सर से कहने लगता है कि मैं वापस से तुम्हें अच्छा तो नहीं लगने लग गया, इसी वजह से तुम मेरे पास आई हो ना। तो सर